बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब जो टैक्स में सबसे ज्यादा काम आता है, और इसी का सेकंड स्लाइड होगा जिसमें हम लोग वो स्लैब रेट की टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कितने इनकम पे टैक्स लगेगा, कितने इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, और किस इनकम पे टैक्स लगेगा तो क्या परसेंटेज में लगेगा, उसका हम लोग सेकंड स्लाइड में सीखेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकली भी आएगा और आपको जानना भी जरूरी है ताकि आप टैक्स समझ सके। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन, सबसे पहले ये समझिए दो टाइप्स ऑफ टैक्स है इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में फिलहाल हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, वो टैक्स जो हम अपने इनकम पे खुद एसेस करके गवर्नमेंट को पे करते हैं अपनी पॉकेट से, जिसका बर्डन हमारी पॉकेट पे आता है। तो यहां पर लिखा है विच पे डायरेक्टली ऑन आवर इनकम, जो हम अपने इनकम पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं वो है डायरेक्ट टैक्स। उसके ऊपर इंडिया में एक्ट कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में इंडिया में फिलहाल दो एक्ट है, पहले बहुत सारे थे, अब फिलहाल दो ही है, जीएसटी एक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड कस्टम एक्ट 1962। ये दो एक्ट इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर है। पहले बहुत सारे थे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो अभी भी है, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, पहले बहुत सारे थे पर अब केवल दो है। ये जितने भी सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको मर्ज करके जीएसटी एक्ट बना दिया गया। कस्टम एक्ट अलग से है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो अलग से है। पहले डायरेक्ट टैक्स में भी और दो टैक्स हुआ करते थे, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। ये दोनों इंडिया में अब एबॉलिश हो गए, अब हट गए, इसलिए हमने उसे नहीं लिया। अब आते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला टर्म है इनकम, जिसके ऊपर टैक्स देना। इनकम का मतलब क्या है, मैंने बहुत सारे ब्रेकअप में इनकम का मतलब लिखा है। पहला मतलब लिखा प्रॉफिट, गेन, डिविडेंड या कंट्रीब्यूशन बाय ट्रस्ट। हम कोई बिजनेस करें वहां कोई प्रॉफिट या गेन कमाए, बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं, और कोई प्रोफेशन करते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, तो हम गेन कमाते हैं। डिविडेंड, हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर के रूप में कमाते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय ट्रस्ट, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है और उसमें कोई डोनेशन आ रहा है वो हो गया इनकम उस ट्रस्ट के लिए। इसके अलावा हम सैलरी से इनकम कमाते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं तो हम सैलरी कमाते हैं। सैलरी के साथ दो चीज और कमाते हैं, एक होता है परक्यूजिट्स और एक होता है अलाउंसेस। परक्यूजिट का मतलब होता है अगर हमें कुछ इन काइंड मिले हमारे बॉस से, जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयर से जब हमें कुछ भी कंट्रीब्यूट मिलता है सैलरी के अलावा, जॉब करने की तो सैलरी मिल रही है, सैलरी के साथ हमें जब कोई सामान मिल जाता है, बॉस ने लैपटॉप दे दिया, बॉस ने रहने को घर दे दिया, या बॉस डायरेक्ट घर का भाड़ा पेमेंट कर दे रहे हैं, हमारा कहीं पर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, ऑफिस से पेमेंट हो गया, हम फॉरेन घूमने गए या इंडिया में कहीं घूमने गए, उसका ट्रिप का पेमेंट हुआ बॉस के थ्रू, ये वो परक्यूजिट इन काइंड जब हमें कुछ मिले, गाड़ी दे दी या फिर फ्री आने जाने की कोई व्यवस्था कर दी। इसके अलावा अलाउंसेस एक वर्ड है, यही सब चीजों के लिए जब हमें कैश में बॉस पैसा दे, मेडिकल इलाज के लिए बहुत डायरेक्ट हमारे हाथ में पैसा दे दे इन कैश, घूमने जाने के लिए बॉस हमें पैसा दे दे क्या आप दौड़ घूम गया हो, गाड़ी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी न देकर बॉस पैसा दे दे, ये लो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का इस महीने का भाड़ा वाला जो भी लगे उसके लिए पैसा, यानी जब हमें बॉस सैलरी के अलावा कुछ दे, अगर इन काइंड दे तो परक्यूजिट और पैसे के रूप में दे तो अलाउंसेस। इसके अलावा अगर हमारा कोई घर भाड़े पे लगा तो वहां से रेंट कमाए वो भी इनकम है। अगर हम कोई एसेट बेचते हैं, कैपिटल एसेट मतलब ज्वेलरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब मेरा एसेट है, उसे अगर मैं बेचता हूं पर्सनल एसेट, तो उस पर जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे कैपिटल गेन कहते हैं। इसके अलावा कोई लॉटरी से पैसा कमा ले, अगर हम कहीं बैंक से इंटरेस्ट मिल जाए हमें, कोई पेंशन वगैरह मिले, ये सब हमारी अदर इनकम कहती है। तो ये सब कुछ
एग्जाम्पल है आपके बुक में लंबे चौड़े डिटेल दिए गए, मैं उसकी फोटो आपको भेजूंगा। फिलहाल ये समझिए कि जब हमें ये सब चीजों की कोई कमाई होती है इसे हम इनकम कहते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से, यानी इन पे हमें टैक्स देना पड़ता है। अब आता है नंबर टू डेफिनेशन। नंबर टू और नंबर थ्री डेफिनेशन एक साथ पढ़ने रहेगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है, पहले मैं प्रीवियस ईयर की बात करूंगा। सेक्शन थ्री कहता है जिस फाइनेंशियल ईयर में हम कोई कमाई करते हैं उस ईयर को कहा जाता है प्रीवियस ईयर एज पर इनकम टैक्स, और जिस फाइनेंशियल ईयर में उस कमाई हुई इनकम पे टैक्स देने जाए या टैक्स कैलकुलेट करें असेसमेंट करें उसे कहा गया असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर जिस ईयर हम टैक्स कैलकुलेट और जमा करते हैं, प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस ईयर हम टैक्स जिस ईयर हम इनकम अर्न करते हैं कमाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने 2018-19 में कुछ कमाया, अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक मैंने कुछ कमाया, तो मेरे लिए 18-19 होगा प्रीवियस ईयर और 19-20 हो जाएगा असेसमेंट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 19-20 बन जाएगा प्रीवियस ईयर और 20-21 बन जाएगा असेसमेंट ईयर, क्योंकि अगर 19-20 में कुछ कमाऊंगा तो 20-21 में टैक्स दूंगा। तो 19-20 में जब कमाया तो 19-20 हो गया प्रीवियस ईयर और 20-21 हो गया असेसमेंट ईयर। तो सिंपल लॉजिक, हर ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर है, हर ईयर अपने आप में असेसमेंट ईयर। चौथा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पर्सन। पर्सन मतलब किस आदमी पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने पर्सन का डेफिनेशन लिख दिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ। कोई भी इंडिविजुअल आदमी, कोई HUF यानी हिंदू अनिवेडेड फैमिली जिसे आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हो, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बनती है, कुछ पर्सन अपने आप में एसोसिएट होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ अलग अलग आदमी अपना कुछ सर्टेन ग्रुप बना रखे, कोई क्लब वगैरह, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी, आपका टेलीफोन डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां दो वर्ड है आर्टिफिशियल और जुडिशियल। एक्चुअली मैं पहले जुडिशियल समझा दू, इंडिया में कोर्ट को जजेस को इंडिपेंडेंट माना गया, वो किसी के अंदर में जॉब नहीं कर रहे ना वो कोई बिजनेस कमा रहे, तो उनकी इनकम को क्या माना गया, उनकी इनकम को जुडिशियल पर्सन कहा गया। जुडिशियल मतलब जो लोग लॉ से रिलेटेड लोग हैं, आप अपना समझिए फिलहाल यहाँ पे जजेस का बात हो रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऊपर वाला भगवान, वो जो इंसान तो नहीं है लेकिन इंसान जैसा है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन है इंसान के जैसा है। यहाँ पे मंदिरों के ऊपर बात हो रही है, मंदिर चर्च गुरुद्वारा मस्जिद इन सबको भी टैक्स, हालांकि इन पे टैक्स नहीं लगता बट फिलहाल इनको टैक्सेबल दायरे में लाने के लिए इनका डेफिनेशन रखा हुआ कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आया, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन SSC। SSC का मतलब है वो आदमी जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन हो रहा है। हम आप जैसे लोग अगर हम अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, नंबर वन पर्सन पे और पेएबल टैक्स, वो इनकम टैक्स की नजर में SSC कहलाएगा। अगर हम पे कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है, हमने कोई डॉक्यूमेंट जमा किया उसके ऊपर वेरिफिकेशन या चेकिंग चल रही है, तो भी हम इनकम टैक्स की नजर में SSC होंगे। अगर हम किसी और आदमी के लिए टैक्स हम पे कर रहे हैं फॉर सम अदर पर्सन, हम उसका डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, हम उसके लिए कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स हमसे बात करेगा, इसलिए हम SSC हो जाएंगे। और पर्सन डीम टू बी इन डिफॉल्ट, अगर डिपार्टमेंट को डाउट है कि आदमी ने कुछ डिफॉल्ट किया है, इनकम कम दिखाया है या कुछ झमेला, अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, तो इनकम टैक्स खुद उसे ही नोटिस भेज सकता है, उसे कहा जाएगा SSC इन डिफॉल्ट। मतलब अभी वो डीम टू बी है, श्योर नहीं है, अगर बाद में उसके ऊपर केस बना तो उसके टैक्स लिया जाएगा तो वो SSC बन जाएगा, इसलिए उसे डीम्ड SSC कहा गया, हम उसे SSC मान लेंगे। अब आते हैं लास्ट डेफिनेशन के ऊपर, हेड ऑफ इनकम। पांच हेड ऑफ इनकम है इनकम टैक्स में। अगर हम कहीं से जॉब करके नौकरी करके कुछ कमा रहे हैं तो सैलरी, अगर हम घर वाले पे देके रखे हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन,
अगर हम कोई अपना एसेट बेच के पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं कोई एसेट का सेल परचेज से, तो कैपिटल गेन। और अगर हम कोई अदर सोर्स मतलब लॉटरी वगैरह से पैसा कमा रहे हैं, बैंक से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, पेंशन कमा रहे हैं, मैं स्कूल में टीचर हूं, अगर मैंने बोर्ड का कॉपी चेकिंग किया और बोर्ड ने मुझे कोई पैसा दिया, मैं बोर्ड के लिए कोई रिलेशन ड्यूटी पे जा रहा हूं, तो ये सब जो पैसा कमा रहा हूं मेरे अदर सोर्स कहलाएगा। क्योंकि न तो मैं बोर्ड का एम्प्लॉय हूं, न ये मेरा बिजनेस है, न ये मेरा कोई एसेट है, न ये मेरा घर है, बचा क्या अदर सोर्स। यानी सिंपल इन चारों में जो न जाए वो पांचवें हेड में जाएगा। ये है कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स और बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। अब अगले स्लाइड में हम बात करेंगे कि स्लैब रेट क्या होता है, कि इंडिया में टैक्स कैसे लगेगा, क्या परसेंटेज में, और कितनी इनकम के ऊपर लगेगा, किनके ऊपर लगेगा, इनकी बात करेंगे।